इंटरव्यू के इस भाग के प्रायोजक हैं फाल्कन मिशन स्कूल, फाल्कन कोचिंग सेंटर और वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट। नमस्कार, व्योम टीवी के पेज में मैं उमेश श्रीमान आपका ज्वाम की धरती में स्वागत करता हूं। यूं तो कहने के लिए भारत में राजनीतिक अखाड़े के अंतर्गत हर राजनीतिक पार्टी एक बात जरूर कहती है कि जो भी समस्याएं होगा उसको हम ससमय, सशरीर और सात्विक मन से आपके लिए दूर करेंगे। लेकिन यह बात आता है कि गरीबों का सुनेगा कौन, गांव वालों का सुनेगा कौन। गांव की धरती में यूं तो विकास का परिपाटी रचने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार अनेक योजना लाई, लेकिन एक सबसे बड़ा समस्या आज अंतर्राष्ट्रीय समस्या के स्थिति पर खड़ा है, उसका नाम है जल। जल है तो कल है, जल है तो परसों है, जल है तो आने वाला भविष्य है। लेकिन जब जल की कल्पना करेंगे तो परिकल्पना वाली बात आपके पास आकर खड़ी होगी। जिस टंकी के पीछे हम लोग खड़े हैं, अब ये किस अनुशंसा से बना है यहाँ के ग्रामीण इसको नहीं बता पा रहे, लेकिन एक चीज है, एक साल से यह 5000 का लीटर टंकी का पानी और पूरा जो सिस्टम है इसका, इवन की पंप वगैरह जो भी लगना है बनकर तैयार है, लेकिन चालू क्यों नहीं हुआ ये ठेकेदार साहब बताएंगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके मन में एक बात जरूर है कि चालू होने का समय राजनीतिक अखाड़ा का नवंबर माह ना हो। 2024 में विधानसभा का चुनाव है, 2024 के विधानसभा के चुनाव के अंतर्गत कहीं उसी समय इसका उद्घाटन किस माननीय के हाथों होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि आसपास के 1 से 2 किलोमीटर के लोगों में परेशानी है और ये परेशानी माता बहन जो भी हैं, जिनके घर में बोरिंग की स्थिति नहीं है, जो सक्षम नहीं है और यूं कहें कि जिनका आर्थिक स्थिति इतना अच्छा नहीं है कि हर लोग अपने घर में बोरिंग करवा सके। मेरा कहना यही है, व्योम टीवी के पेज से लगातार हम लोग इस बात को उठाते हैं, न लाग न लपेट, न पक्ष न विपक्ष। मेरा कहना यह श्रीमान, जब आप लोग किसी बात को ससमय और सशरीर की स्थिति के साथ किसी गांव के विकास की परिपाटी को रचने के लिए आगे बढ़ते हैं, चाहे माननीय मुखिया जी हों, चाहे विधायक जी हों या सांसद जी का कोई क्षेत्र हो, जब आप लोग इस तरह का कोई भी चीज अनुशंसा करते हैं, चाहे वो CSR से हो, DMFT हो या राज्य सरकार या केंद्र सरकार का कोई भी नियम, तो इसको पूरा क्यों नहीं किया जाता है? अगर पूरा करने के पीछे वो जो भी व्यवधान है उस व्यवधान को रखने का कृपया जरूर आम ग्रामीण के बीच में बात को रखें। यह जो टंकी बना था, मैं तो कहीं नहीं करूंगा, मैं एक बात इसमें सीधा आपको स्पष्ट कर रहा हूं, किसी प्रकार का उंगली उठाना मेरा काम नहीं है। यहां आसपास दूसरा एक टंकी है, उसकी भी दुर्दशा हम दिखा देंगे। अब माननीय मुखिया जी, आपके द्वारा क्या काम किया जाना था? माननीय मुखिया जी, आपके द्वारा क्या काम किया गया? या माननीय मुखिया जी, आपके द्वारा किसी के अन्य अनुशंसा से भी काम किया जाना था तो उसका नाम था विकास। चलिए, यह टंकी बंद क्यों है, यहाँ के कुछ ग्रामीण से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वास्तविक स्थिति क्या है। हालांकि बनकर तो तैयार है, लेकिन चालू क्यों नहीं? चालू इसलिए नहीं क्योंकि मैंने स्पष्ट आपको बता दिया, 2024 की गोलबंदी की राजनीति की स्थिति खड़ा करने की कोशिश की गई है। थोड़ा सा आएंगे भैया, क्या नाम? ठेकेदार को मैंने खुद कॉल किया तो बोला कि आज कर देंगे कल कर देंगे। अब समस्या क्या हो खुद जाने, ठेकेदार साहब ही बता। हाँ, ठेकेदार बता सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, अगर हम आपसे अभी पूछे मन में कुछ है कि राजनीतिक मुद्दा है या 2024 का इलेक्शन है या लोकसभा जिसके कारण इसको रोक के रखो? वो तो नहीं बोल सकते क्या समस्या है, लेकिन देख, सबसे पहले पानी का प्रॉब्लम है। अब समस्या अगर ग्रामीण झेले, अब उसको तो प्रॉब्लम है। अच्छा, कितना दूर का समस्या को दूर करने के लिए ये टंकी लगाया गया? कम से कम 2-3 गांव का, कम से 1.5 किलोमीटर तक आदमी को दिक्कत हो रहा है पानी का समस्या के लिए। निदान कुछ नहीं, कोई? अच्छा, किसके किसके पास आप लोग गए, आज लगा कि इसका आवेदन देकर इसका चालू करवाया? वो जो और एक अभी दिखाइएगा, आप न्यूज में दिखाइएगा, खुद दिखाइए उसको। मुखिया जी को मैंने खुद बोला था कि उसका मशीन चोरी हो गया है, आप पानी का समस्या बहुत दिक्कत है, लेकिन मुखिया जी बोला कि ठीक है, अब तो मेरे फोन में नहीं है, अब तो बाद की बात हो, देखा जाए। मैंने उसको खुद पर्सनल बोला गया, उसने पंडित जी अभी मैंने उसको खुद पर्सनल बोला गया कि अगर बगल में कोई मशीन है तो उसको लगा दीजिए, समस्या हल हो जाएंगे। ज़्यादा समय नहीं लेंगे पंडित जी, ये बंद क्यों पड़ा हुआ? बंद है, पानी शायद कम है और नया बोरिंग नहीं हुआ और मशीन का भी प्रॉब्लम है। अच्छा, पानी प्रॉब्लम नहीं है, पानी तो सक्सेस है, इसमें मशीन लगा हुआ, पानी चल रहा है, लेकिन पता नहीं, वो तो बता सके, ठेकेदार ही बता सकते हैं क्या दिक्कत है। ठेकेदार ही मन में संशय है कि कब चालू नहीं करे, ये सब बात है। हाँ, बात है। चलिए काका, आप यहीं रहते हैं? हाँ। चालू क्यों नहीं है? जोड़बे निकलते हैं तो चालू कहाँ से होगा, पाइप तो गया है। अच्छा। मगर वो फिट करेगा तब ना चालू करेगा, वो लगा दिया और चल दिया। कितना दिन हो गया? 2 महीना से ऊपर हो गया है। अच्छा, आपके दिमाग से 2 महीना हुआ है, लेकिन कोई इस पर सुनवाई नहीं? नहीं।
भैया कुछ बोलेंगे? कुछ बोलेंगे भैया? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जो भी हैं यहाँ पर माननीय मुखिया विधायक, या जिस तरीके से सब एक मिनट ढांगी का देखिए, एक स्पष्ट बात है और ये रख रहे हैं कि ढांगी पंचायत में जो भी टंकी है जितना भी लगा गया, लेकिन कोई चालू नहीं, तो उनको उनको दिखाओ। चल चलो रुको उसको, चलो एक चपाकल से, हाँ इसी में जोड़ दिया जबरदस्ती जोड़ दिया। चपाकल हम विधायक जी मोथा